फिक्स हो यार, ये हमारा डे टू है गुजरात में एंड हम लोग जा रहे हैं अभी कनावद यूनिवर्सिटी कि हमको वहाँ पे काम है। वो क्या काम है वो हम लोग आपको वहाँ जाके बताएंगे। हम लोग अभी एक ओला में जो कि हमने अडालज टेम्पल के पास से बुक करे एंड हम लोग ऑन द वे हैं, मतलब कि आप टाइम लैप्स से कर रस्ते जरिए पहुँच के मिलते हैं वहाँ पर। लोग कनावद यूनिवर्सिटी पहुँच तो गए बट जैसे वहाँ पहुँचे वहाँ पता चला कि जहाँ हमको जाना था वो जगह नहीं। वहाँ से 200 मीटर आगे बीबीए का कैंपस, हमको वहाँ जाना था। हमको लगा कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होगा बीबीए के कैंपस में, बट ऐसा नहीं था। तो वो 200 मीटर कितना होगा, हम चले जा रहे हैं बस। देखते हैं यार वो कब आता है बीबीए का न्यू कैंपस, इससे पूछते हैं। अच्छा यहाँ से जाने हमको, चलो अब वो आगे दिख तो रहा है कुछ, उधर जाके से देखते हैं इन सीधे अब आपको कैंपस में मिलेंगे। ओके बाय। सो यार हम लोग अभी कैंपस के अंदर हैं कनावद यूनिवर्सिटी के, यही बीबे कैंपस है एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रोजेक्ट डिस्कशन कर रहे हैं। इन्हें भीड़ देखिए यार, कितने लोग आए हैं यहाँ पर, ये सारे डेवलपर हैं, अलग अलग स्टेट वगैरह से आए हैं। दिस इज़ अ फूड जो कि हमको हैकाथॉन में मिला है एंड खाना मिलते सबके चेहरे चमक गए हैं। ये शिवम खाने के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है एंड ये शिवाशीष का है, मज़ा आ रहा है भाई। एंड हम लोग थोड़ी देर में बताएंगे हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं, जो कि मैंने अभी तक बताया नहीं है। तो यार इसको ख़त्म करके हम लोग आते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। तो खाना तो ख़त्म हो चुका है हमारा, एक चुटकी बजा नहीं, बस ये खा रहा है और ये खा रहा है, बहुत लेट खाता है ये। सबसे पहले मैं और शिवम खाए हैं, अब हमको जाना है हाथ धोने, चलो चलते हैं। दिस इज़ व्हाट वी गॉट फ्रॉम दिस कॉलेज, एक ये है एंड दिस इज़ आई डी कार्ड। ओके सो हम लोग पहले देखते हैं इसमें है क्या क्या। ओके इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। जाना है उधर, ये जो सामने बिल्डिंग है इसके 5th फ्लोर पे जाना है, वहाँ पे हमारा हैकाथॉन स्टार्ट होगा। सब सीधे वहीं चलते हैं यार, अपना पूरा सामान उठा के चलो चलते हैं। जाना है 5th फ्लोर पे एंड ये लिफ्ट अभी 5th फ्लोर से नीचे आ रही है, इस लिफ्ट में घुसेंगे उसका चाहेंगे 5th फ्लोर पे। स्पीकर तो लगा चुके हैं, ये मेरा है, ये शिवम का लैपटॉप है। नीचे करना है इसको, अरे लेट नीचे करो। ये शिवाशीष का है लैपटॉप एंड ये इसका है। अब क्या प्लान है कौशिक, कौशिक अब क्या प्लान है? अभी हम लोग वाईफाई कनेक्ट करेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे असली कोडिंग। बैग यहाँ रखेंगे
कैफेटेरिया में। अरे सो यार अभी हमको जाना है डिनर के लिए कैफेटेरिया में जो कि है बाहर, तो चलते हैं देख लेते हैं कैसा लग रहा है। सही यार, हमको बोले गया है कि बस खाना खाने के 20 मिनट में आ जाओ, इतनी लंबी लाइन में हम लोग 20 मिनट में कैसे आए ये मुझे खुद नहीं पता। तो शिवाशीष क्या लगता है? अरे कुछ नहीं लगता, 5 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा, खत्म करना है, 20 मिनट खाने देंगे। बोला नहीं था 20 मिनट में वापस आना था, वो और भी तो 1000 बच्चे खाना खाएंगे यार। अच्छा तो कैसा लग रहा है हैकाथॉन में? अरे बढ़िया यार, देखा जाएगा। शिवम कैसा लग रहा है हैकाथॉन में? मजा आ रहा है, और काफी मजा आ रहा है। पता है मेरे को कभी कभी जोमैटो वाला लगता है। सही है सर, ये हम खाना मिला है, ये दाल है एंड ये पनीर की सब्जी है, ये थोड़े सैलेड है एंड ये आलू की सब्जी है, चावल पुलाव एक्चुअली है एंड ये चपाती, साथ में हमको मिला है छाछ। एंड सब लोग खाने लगते हैं, खाने से पहले फ़ोटो लेना ज़रूरी है, सब फ़ोटो ले रहे हैं। खाना कैसा है शिवम भाई, खाना कैसा है यार? उससे अच्छा है। चलिए यार अब सीधे खाना खा के मिलेंगे, तब तक लिए बाय। कैसा रहा है कथन का एक्सपीरियंस? हाँ धीरे आइडिया यूनिक था, सब लोग वही सब कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सब लोग कॉलोन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, लेकिन कोई भी न्यू इनोवेटिव नहीं कर रहा है। सो हम जो है अपने बैरिकेड में लाए कर रहे हैं ओपन इनोवेशन के लिए, सो देखते हैं। एमएलएस कार्य में कुछ बोलना है? एमएलएस यार बेस्ट, गोइंग फॉर हैकाथॉन, जस्ट गो फॉर एमएलएस। खाना इतना मस्त मिलता है वहाँ पे, खाना एंड स्वैग्स। जब गाइस यार जब हम पहली बार आए थे ना, तब हमें लैपटॉप पे कुछ नहीं था, है ना? अब देखो एक दो मेरे पे एक भी नहीं था, मेरे पे था, मैंने डक दिया तीन एंड ये मेरा है। एंड स्वैग्स के मामले में एक टी शर्ट हमको ये मिली है एंड एक टी शर्ट एक और मिली है जो कि यहाँ की हैक दिस फॉल वाली टी शर्ट है एंड एक और हमको मिलनी थी जो मिली नहीं, बस इसको मिली है हैप्पी हब की, जो कि यहाँ को इसको स्पॉन्सर कर रही है, जो कि पोस्टमैन की तरह है एंड हमको मिलनी थी वो मिली नहीं, पता नहीं क्यों मेरा और इसका लक ख़राब था, मतलब हमारी आँखों के सामने टी शर्ट खराब हो खत्म हो गई भाई, हमारा लक बेकार था। ये छोटा सा ना कहीं में घुस जाता है इसलिए इसको मिल जाती है ईजिली चीज़ें। एंड अभी एक और टी शर्ट हमारी आने वाली है जो कि है अक्टूबर फेस्ट की, सो हमारे पास ऐसे टी शर्ट कलेक्शन करेंगे हम लोग। सो ऐसे यार एक लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहेंगे, ऐसे यार तुम लोग हैकाथॉन करा करो, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। सो फाइनली हैकाथॉन ओवर हो चुका है एंड ये वो बिल्डिंग की जहाँ हम आए थे एंड अब सब जा रहे हैं। यार हम लोग आ चुके हैं अहमदाबाद के स्टेशन एंड हम लोग अभी जो फोटो लगी है साइड में उसको देख रहे हैं कि यहाँ पे घूमने की जगह कौन सी है एंड यहाँ से हमको जाना है कहीं और, जो कि आपको रास्ते में पता लगेगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। सो अहमदाबाद का स्टेशन कुछ ऐसा है यार, मतलब काफ़ी अच्छा स्टेशन है यहाँ का, जब हम आए थे तब इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, बट अब जा रहे हैं तो हमको स्टेशन अच्छा लग रहा है एंड हमको जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे जो कि ये रहा।
जंक्शन पे एंड यहाँ से अब हमको जाना है एक होटल लेने, क्योंकि यार हम लोगों की शक्ल ऐसी हो चुकी है ना, लाइक 36 घंटों में हम मुश्किल से 5-6 घंटे सोए हैं बस। सो ये देखो, हम सबको एक रूम चाहिए, हम रूम की तलाश में फटक रहे हैं एंड ये है वरुदा जंक्शन। ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है वरुदा के जंक्शन का एंड उसके जस्ट पीछे ये सब है यार। यहाँ का स्टेशन काफ़ी सही लग रहा है, सही है। ओके सर, हमको एक ऑटो वाले भैया मिले हैं ये, जो कि हमको एक रूम दिखा रहे हैं, जो कि हमको काफ़ी चीप पड़ रहा है, तो हम वो रूम देखने जा रहे हैं एंड अगर हमको अच्छा लगा तो हम वहीं रहेंगे, वरना कोई होटल देखेंगे, देखते हैं। एंड ये है यार वरुदा की सड़कें रात में, तो आप लोग टाइम लैप्स देखेंगे।